ऐसे उनकी गाड़ी आती है और यहाँ पर उनकी गाड़ी जब खड़ी होती है तो यहाँ से वो सीन लिया गया था। वो बैकग्राउंड में ये जो पेड़ दिखाई देते हैं, ये दो पेड़ और ये तुर्बसी, ये सीन यहाँ से लिया गया था। पेड़ आप देख रहे हो और यहाँ से जब ऋषि कपूर जाते हैं तो यहाँ से ये मंदिर की पुताई, यहाँ पे थोड़ा हिस्सा पुता हुआ होता है। थोड़ा एक सीन फिल्म में ये लिया गया है, ऋषि कपूर यहाँ पे खड़ा होता है पेड़। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर ये पत्थर देख रहे हो आप, ये पत्थर यहाँ पर फिल्म में लिखा होता लंगर छाप बीड़ी, कुछ ऐसे लिखा होता। स्पीकर आज भी मौजूद है यहाँ पर, अभी एक बिजली का पोल लगा दिया है। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आया हूँ जहाँ पर बंजारन मूवी शूटिंग हुई थी, जो मतलब शुरुआत होती है फिल्म की, शुरुआत यहीं से होती है। और शुरू में वो गाना होता है, ये जीवन जितनी बार मिले, वो गाना शुरू होता है। आज मैं उस जगह पर आया हूँ और ये जगह है एक जयपुर से करीब 34 किलोमीटर आगे है, चाकसू नाम से एक जगह है, वहाँ पे एक शीतल माता का मंदिर है, मैं वहाँ पे आया हूँ। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ मैं जो सीन उस फिल्म में फिल्माए गए थे, जो सीन लिए गए थे, वो सीन आप लोगों को मैं उस जगह पर चल के दिखाता हूँ। वैसे अभी यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है वो सीन ढूंढना, पर मैं ढूंढूंगा क्योंकि यहाँ पर आबादी इतनी हो गई और यहाँ पर धर्मशाला वगैरह बहुत ज़्यादा बना दिए लोग बागों ने। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अभी पहुँच चुका हूँ जो मेन लोकेशन है उस जगह पर। यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिए हैं लोगों ने, वक्त के अनुसार सब चेंज कर दिए। पहले यहाँ पर सीढ़ियों पर पाइप नहीं थे, यहाँ पर पाइप लगा दिए। चलिए आप लोगों को थोड़ा मैं यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, फिर जो लोकेशन है वो आप लोगों को मैं यहाँ से दिखाता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ का सीन लिया गया है, सबसे पहले ये पेड़ भी आज भी वही पेड़ है। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर ये पत्थर देख रहे हो आप, ये पत्थर यहाँ पर फिल्म में लिखा होता लंगर छाप बीड़ी, कुछ ऐसे लिखा होता है। और ये पत्थर आज भी इसी जगह पे लगा हुआ है, यहाँ पर ये मंदिर है। स्क्रीन शॉट लगा दूँगा, स्क्रीन शॉट आप देखना। और भाई वीडियो पूरी देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। यहाँ से सीन लिया गया है, एक सीन ये लिया गया है फिल्म में, जब गाना शुरुआत होता है तब ये सीन लिया गया है। यहाँ पर ये प्याऊ है और ये एक पेड़ है नीम का, इधर पास में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देखना। इस उस टाइम इसका कलर अलग था, कलर इसका क्रीम टाइप में था। और यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं, ये पहले ये सीढ़ी नहीं थी, एक सीढ़ी थी, अब ये दो बना दी। और इसके जो पास में एक धर्मशाला और नई बना दी गई है, उस टाइम पर यहाँ पर इतना आबादी नहीं थी, ये सीन था। अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ और वहाँ से जो सीन लिया गया था वो सीन आप लोगों को मैं दिखाता हूँ चल के, जो भी सीन है। एक सीन फिल्म में ये लिया गया है, ऋषि कपूर यहाँ पे खड़ा होता है और ये जो मकान है सामने, इसमें चार खाने हैं, ये इस टाइम बंद कर दिए गए हैं, ये दो इसमें लगे हुए हैं, दो जो मेन गेट है वो लगा हुआ है, यहाँ पर खड़ा होता है ऋषि कपूर। मैं चलता हूँ अभी ऊपर, यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ हैं इनके ऊपर पाइप लगे हुए हैं और इस पर जो सीढ़ी के ऊपर ये चबूतरे बने हुए हैं, ये इन पे लिखा हुआ है जय माता दी। पहले उस टाइम इस पर कुछ भी नहीं था। और ये जो पेड़ है, ये इसका सीन इसमें खूब अच्छे से लिया गया है। ये देख रहे हो आप, ये मंदिर है, ये मंदिर का जो बाहरी हिस्सा है वो है। यहाँ पर पेड़ आज भी उसी हालत में है, ये पेड़ जो उस टाइम लिया गया था, ये वही पेड़ है। अभी मैं ऊपर चल कर और दिखाऊंगा, थोड़े चेंजेस कर दिए यहाँ वक्त के अनुसार। एक सीन यहाँ से लिया गया है, ये आप देख रहे हो ये धर्मशाला बनी हुई है, इसके जो पास में ना धर्मशाला छोटी सी, वो सीन लिया गया, ये नई बनाई गई है ये सीन।
फिल्म के अंदर एक सीन ये दिखाया गया है जो ये पेड़ आप देख रहे हो, और यहाँ से जब ऋषि कपूर जाते हैं तो यहाँ से ये मंदिर की पुताई, यहाँ पे थोड़ा हिस्सा पुता हुआ होता है और थोड़ा बिगर पुता हुआ, क्रीम और सफ़ेद कलर का कुछ इस तरीके का दिखाई देता है यहाँ से ना। अभी हम जाने वाले हैं मंदिर में अंदर और वहाँ से आप लोगों को सीन दिखाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। अभी पहुंचे हैं मंदिर में अंदर। मैं पहुंच चुका हूं अभी ऊपर मंदिर के, मंदिर से भी थोड़ा नीचे ही हूं, मंदिर में भी जाने वाला हूं। यहां पे पहुंच चुका हूं और यहां का सीन कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहां पे भी जो सीन शूट हुए थे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, और ऊपर से भी इसका जो नज़ारा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आप लोगों को मंदिर में अंदर, और यहाँ का जो सीन है उसे बैक कैमरे से पूरे अच्छे से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये ऊपर जो मंदिर पाते वहाँ का ये सीन है। ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, एक इसमें पिलर है, बीच बीच में पिलर है, और ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं और ये मंदिर। अभी मंदिर में चलते हैं ऊपर, अभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं हम, वहाँ से देखते हैं कुछ सीन होगा तो ज़रूर आप लोगों में दिखाऊंगा। ये मंदिर है, इसके ऊपर पंछी बैठे हुए हैं, कबूतर। ऊपर से यहाँ का सीन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके पास में, मंदिर के पास में एक छोटी सी ये फैक्ट्री भी लगी हुई है यहाँ पर, और जो पुरानी जो नई आबादी बसी हुई है यहाँ पर, वो सीन भी अभी दिखाता हूँ। ये तो सीन फिल्म में लिए हैं यहाँ से, और ये नई बसावट हुई है इधर, जो नए नए मकान बने हैं यहाँ पर, काफ़ी पब्लिक आकर बना गई अपने अपने नाम से। अभी मैं चलता हूँ अंदर और अंदर से आप लोगों को इसको दिखाता हूँ, जो जिस तरीके से ये दिखाई देता है अंदर से। ये मंदिर के ऊपर आते हैं जब, उसके पीछे से ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है, जो अंदर से इसमें ये पिलर बने हुए हैं ऊपर से। अंदर से ये ऐसा है, और यहाँ पे एक बंदर भी है शायद ये बैठा। यहाँ से और एक मूवी में एक सीन और लिया गया है, यहाँ से दिखाऊंगा आप लोगों को ये बंदर जाने के बाद में। एक ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ, फिर दिखाऊंगा यहाँ पे जो ये बंदर बैठा है, यहाँ से एक सीन लिया गया है, उसे नीचे भी दिखाऊंगा आप लोगों को चल के। ऊपर काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये सीढ़ियाँ हैं, और एक सीन यहाँ से जो ये नीम का पेड़ है, यहाँ से भी ये पेड़ दिखाया गया उस वीडियो में। तो भाइयों मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ सपोर्ट करना, अपने दोस्तों से भी शेयर करवाना, सपोर्ट करवाना उनसे भी। चलिए मैं वो सीन आप लोगों को दिखाता हूँ जो एक मूवी में जो यहाँ से शूट किया गया है। यहाँ से फ़ोन काफ़ी हिल रहा है, यहाँ से ये सीन लिया गया है, हल्का सा लिया गया। इसे नीचे जाकर मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा। दूसरी तरफ से मंदिर का सीन कुछ ऐसा दिखाई देता है, जहाँ पे एक छोटी पानी की टंकी लगी है, पानी की व्यवस्था यहाँ पे बनाई हुई है, और ये बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए हैं, और ये पंछी भी यहाँ पे काफ़ी हैं, ऊपर छत पे हैं एक पे, और यहाँ पे ये धर्मशाला है। धर्मशाला तो यहाँ पे काफ़ी बनाई हुई है लोग बागों ने। एक छोटा शिव का मंदिर है यहाँ पर। ऊपर से यहाँ का सीन कुछ ऐसा दिखाई देता है इधर से। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और आप लोगों को वो सीन में पास से दिखा के लाता हूँ।
ये सीढ़ियाँ, सीढ़ियों पे से यहाँ से जो सीन लिया गया था एक, वो दिखाऊंगा अभी, थोड़ा घूम कर दिखाऊंगा। पेड़ का भी सीन जो लिया गया था, और यहाँ से जो चढ़ते हैं ऋषि कपूर चढ़ता है, वो सीन यहाँ से लिया गया था, इस जगह से बताता हूँ। यहाँ से वो सीन लिया गया था, आप देख रहे हो ये मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ से सीन लिया गया था। और यहाँ पर कुछ पुता हुआ था क्रीम क्रीम वाइट वाइट कलर से, यहाँ पर कुछ पुताई की गई थी, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लेना। चलते हम नीचे की तरफ, और अभी आप लोगों को एक वो दिखाऊंगा मैं, जहाँ पर लंगर बीड़ी लिखा हुआ था वो पत्थर दिखाऊंगा। करीब पिक्चर को करीब 28-29 साल हो चुके हैं यार, पिक्चर आज भी, मतलब पिक्चर में जो पत्थर दिखाया गया था आज भी वो उसी जगह पर रखा हुआ है। मैं अभी चलता हूँ जहाँ पर लंगर छाप बीड़ी का एड लगा हुआ था, ये पत्थर, ये वो पत्थर है, आज भी मतलब इतने साल हो गए मूवी को बने, और यहाँ पर जो पहले एक क्रीम क्रीम कलर से पुता हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था लंगर छाप बीड़ी, ये पेड़। वीडियो के अंदर एक ये सीन भी लिया गया है फिल्म के अंदर, ये कीकर आज भी मौजूद है यहाँ पर, अभी एक बिजली का पोल लगा दिया है, और यहाँ पे बिजली का पोल लगा दिया है काफ़ी, एक ये फैक्ट्री भी बन चुकी है इसके जस्ट पीछे, यहाँ का ये सीन है। फिल्म के अंदर एक सीन ये भी लिया गया है, यहाँ से ये जो दो पेड़ हैं, ये जो दो पेड़ भी दिखाए गए हैं, और यहाँ पर ये तुर्बत सी क्या बनी हुई है यहाँ पर, ये भी सीन दिखाया गया, आप गौर करके देखना स्क्रीनशॉट में, यहाँ से जो सीन लिया गया है एक ना, ये जो धर्मशाला है इसमें बाद में बनी है। इस सीन को मैं थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरीके से ये सीन लिया गया, कुछ इस तरीके से यहाँ से वो सीन लिया गया था कि ऋषि कपूर इधर से, यहाँ से उनकी गाड़ी आती है, यहाँ पर उनकी गाड़ी जब खड़ी होती है, तो यहाँ से वो सीन लिया गया था। वो बैकग्राउंड में ये जो पेड़ दिखाई देते हैं, ये दो पेड़ और ये तुर्बत सी, ये सीन यहाँ से लिया गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है भाइयों, मुझे सपोर्ट करो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।